पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों के लिए बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है वो अपनी पार्टी जाप का विलय जो है पहले कांग्रेस में करते हैं और पूर्णिया से टिकट की चाह में खड़े रहते हैं, लेकिन महागठबंधन से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलता है, राजद के खाते में पूर्णिया सीट चली जाती है और राजद वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार देती है, जिसके बाद पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो टकरार थी वो बढ़ जाती है और पप्पू यादव जंग छेड़ देते हैं। अकेले अपने दम पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव लड़ते हैं। अब लेकिन पप्पू यादव जो है बड़ा गेम कर दिए हैं। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के सामने शर्त रख दिया है और दोनों बेटियों के लिए बड़ा बयान दे दिया है। आखिरकार क्या है वो बयान, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से गर्मा रही है। तो हम आपको बता दें कि पप्पू यादव जो है लगातार इस वक्त चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस का प्रचार इस वक्त पप्पू यादव यूपी में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव बेहद जल्द जो है बिहार आने वाले हैं, बिहार में हिना साहब के लिए वोट मांगने का काम करेंगे, सिवान में हिना साहब के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे और इसी दौरान पप्पू यादव जो है बड़ा बयान दिए हैं लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों को लेकर और कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मैं दोनों बेटियों के लिए अगर चुनावी प्रचार करूं तो मैं तैयार हूं इसके लिए, अगर मुझे फोन आता है तो मैं दोनों बेटियों के लिए यानी कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करने के लिए जा सकता हूं। हम आपको बता दें कि पप्पू यादव चाहते है कि महागठबंधन के बीच में जो पप्पू यादव के लिए दूरी बनी है वो दूरी खत्म हो जाए और यही कारण है कि पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि अब भी उन्हें लालू प्रसाद यादव का जो आशीर्वाद है वो मिल रहा है, कांग्रेस का जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इस वक्त पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस के लिए ही सिर्फ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यूपी में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव बेहद जल्द जो है वो बिहार आने वाले हैं, बिहार में हिना साहब के लिए प्रचार करने जाएंगे। उससे पहले पप्पू यादव बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर हमें इजाज़त दे, तेजस्वी यादव अगर हमें फ़ोन पर बोले या इजाज़त देते हैं तो मैं रोहिणी के लिए और मिशा के लिए प्रचार करने जा सकता हूं, क्योंकि वो भी जो है मेरी बहन जैसी है, वैसे मैं प्रचार करने जरूर जाऊंगा जैसे मैं हिना साहब के लिए प्रचार करने जा रहा हूं। पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि पप्पू यादव के जो विचारधारा से मिलते जुलते लोग हैं, जो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार करने के लिए मैं आऊँगा अगर वो चाहेंगे तो। इसी क्रम में पप्पू यादव जो हैं वो सिवान पहुँच रहे हैं, हिना साहब के पक्ष में माहौल बनाएंगे और हिना साहब के लिए लोगों को वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन पप्पू यादव ये भी चाहते हैं कि महागठबंधन से जो दूरी है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो रुख अपना रहे हैं पप्पू यादव के लिए वो बेहद सख्त है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में सीधा सीधा कह दिया था कि अगर हमारे उम्मीदवार बीमा भारती आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप NDA को वोट कर दीजिएगा, लेकिन तीसरा विकल्प यानी कि पप्पू यादव जो है तीसरा विकल्प उन्हें वोट देने का काम नहीं कीजिएगा। यानी कि तेजस्वी यादव को ये तो पसंद है कि NDA जीत जाए, लेकिन ये पसंद नहीं है कि पप्पू यादव जीते। वैसे में पप्पू यादव कहते हैं कि हम दोनों बहनों के लिए प्रचार करने जाएंगे, मिसा और रोहिणी के लिए प्रचार करेंगे, तो क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसका इजाजत देंगे? अब ये बयान के बाद बिहार की जो राजनीति है वो बेहद गर्म हो गई है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव पर गिन गिन कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से वार किया जा रहा है, तो वहीं पर पप्पू यादव जो है शांति से सलीके के तहत पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके पिता तुल्य है और उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, कांग्रेस का आशीर्वाद मिला हुआ है और वो भी महागठबंधन के हिस्सा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव
चुनाव के तहत पप्पू यादव को मीसा भारती और रोहिणी के प्रचार में भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, या पप्पू यादव का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।